हाय एवरीवन, आज हम प्लिंथ बीम की ड्राइंग पढ़ना सीखेंगे, यानी कि साइड पर प्लिंथ बीम की ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं आज हम ये जानेंगे। दोस्तों, बीम डिजाइन स्टडी डिजाइन सीरीज की सेकंड वीडियो है। हमारी फर्स्ट वीडियो फाउंडेशन ड्राइंग स्टडी पर थी, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, बीम ड्राइंग स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले बीम का प्लान चाहिए होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा बीम का प्लान है, और सेकंड हमें शेड्यूल ऑफ बीम चाहिए होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये शेड्यूल ऑफ बीम है, जिसमें बीम की सारी डिटेल दे रखी हुई है। ये हमारा प्लिंथ बीम का प्लान है, ठीक है दोस्तों। सो आइए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बीम ड्राइंग का प्लान पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्लान में PB1 लिखा है, ठीक है। PB1 का मतलब है प्लिंथ बीम 1, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे PB2 लिखा है, इसका मतलब ये हमारी जो बीम है वो प्लिंथ बीम 2 है। दोस्तों प्लिंथ बीम 1 का साइज अलग है और प्लिंथ बीम 2 का साइज अलग है। अब इनका साइज हम शेड्यूल ऑफ बीम में देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं पहले कॉलम में बीम नंबर लिखा हुआ है, यानी कि PB1, PB2, PB3, यानी कि ये जो हमारी बिल्डिंग बन रही है इसमें 3 टाइप की प्लिंथ बीम लगी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारी प्लिंथ बीम 1 है, इसकी डिटेल यहाँ पे दे रखी हुई है। ये हमारी प्लिंथ बीम 2 है, इसकी डिटेल यहाँ पे दे रखी हुई, यानी कि हमारी बीम की कितनी लेंथ और ब्रिथ जो होगी वो यहाँ पे दे रखी हुई है। और आप देख सकते हैं ये हमारी प्लिंथ बीम 3 है, और प्लिंथ बीम 3 की डिटेल यहाँ पे दे रखी हुई है, ठीक है। अब आइए हम प्लिंथ बीम 1 को पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है PB1, यानी कि प्लिंथ बीम 1, ये हमारी प्लिंथ बीम 1 है। अब हम इसका साइज देखते हैं, ये कितने बाई कितने की है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं साइज के कॉलम में ये हमारी जो प्लिंथ बीम है वो 300 mm × 300 mm, यानी कि 30 सेंटीमीटर इसकी ब्रिथ है और 30 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है। ओके दोस्तों, आइए हम फिगर में आपको समझाते हैं प्लिंथ बीम की ब्रिथ और डेप्थ क्या होती है। आप 300 × 300 याद रखिएगा। दोस्तों आप फिगर में देख सकते हैं ये हमारी प्लिंथ बीम है, इसकी जो ब्रिथ है वो 300 यानी कि इसकी बात हो रही है, और इसकी जो डेप्थ यानी कि गहराई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 300 है। ओके दोस्तों, ये तो साइज की बात हो गई कि हमारा प्लिंथ बीम की जो साइज है वो 300 × 300 mm है, यानी कि इसकी ब्रिथ और इसकी डेप्थ। ओके दोस्तों, अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। सेकेंड में हम रेनफोर्समेंट यानी कि जो हमारी स्टील लगी है हम उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं PB1 यानी कि प्लिंथ बीम 1 में हमारी जो स्टील लगी है उसकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे लिखा है बॉटम बार, यानी कि प्लिंथ बीम में जो बॉटम में बार लगेगी यानी कि नीचे जो बार लगेगी वो हमारी 3 बार लगेगी। बॉटम में बार लगेगी वो 3 नंबर ऑफ बार लगेंगी, जिनका साइज जो है वो 20 mm होगा। ओके दोस्तों, आइए फिगर के माध्यम से हम आपको बताते हैं किस बार की बात हो रही है। दोस्तों प्लिंथ बीम में कुछ इस तरह से बार लगती हैं, आप देख सकते हैं हमारी ड्राइंग में लिखा था 3 × 20 mm, ठीक है, बॉटम में। यानी कि आप देख सकते हैं ये हमारी प्लिंथ बीम है, इसके नीचे जो बार लगेगी जो कि थोड़ी थोड़ी यहाँ से दिख रही है वो 3 बार लगेगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3 बार लगेंगी, जिनका साइज जो है वो 20 mm होगा। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलम में टॉप बार यानी कि प्लिंथ बीम में जो ऊपर की बार लगेगी वो 3 × 20 mm की लगेगी, यानी कि बीम के टॉप पर और बॉटम में दोनों जगह 3 × 20 mm के लगेंगी, 3 × 20 mm की लगेंगी। अब हम फिगर में देखते हैं कहां पे लगेंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा बीम का टॉप है, यहाँ पे 1, 2, 3 बार लगी हुई हैं, जिनका साइज जो है वो 20 mm है। ओके दोस्तों, दोस्तों फिगर में आप देख सकते हैं हमारी प्लिंथ बीम 1 के टॉप पर इसी तरह से 3 बार लगेंगी, जिनका साइज 20 mm होगा, जिनका साइज 20 mm डाया होगा। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी प्लिंथ बीम जो है 2 सपोर्टों पे टिकी होती है, यानी कि जहां पे प्लिंथ बीम कॉलम से जुड़ी होती है वही हमारा सपोर्ट होता है। आप देख सकते हैं ये हमारी प्लिंथ बीम, दोस्तों आप देख सकते हैं प्लिंथ बीम 1 को एक यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, एक यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट में हम 2 बार एक्स्ट्रा देंगे, जिनका साइज 20 mm होगा, यानी कि ये हमारा सपोर्ट 1 है, यहाँ पे हम 2 बार 20 mm का देंगे,
ठीक है, एक्स्ट्रा बार, और ये हमारा सपोर्ट 2 है, यहाँ पर भी हम 2 बार एक्स्ट्रा देंगे जो कि 20 mm के होंगे। आइए फिगर में हम आपको दिखाते हैं एक्स्ट्रा बार कैसे प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी बीम है और ये हमारे 2 कॉलम हैं, ठीक है। ये कॉलम हमारा सपोर्ट 1 है, ये कॉलम हमारा सपोर्ट 2 है, ठीक है। सपोर्ट 1 में हम 2 बार एक्स्ट्रा देंगे, आप देख सकते हैं L/3 डिस्टेंस तक हम 2 बार एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार एक्स्ट्रा दी गई है, ठीक है, 1 और 2। इसी तरह सपोर्ट 2 की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 बार एक्स्ट्रा दी गई हैं जो कि 20 mm की होंगी। दोस्तों इसी तरह से हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने का फॉर्मूला होता है कि हमारा कॉलम जहाँ पे कनेक्ट होता है वहाँ से L/3 डिस्टेंस तक, ठीक है, हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कॉलम से L/3 डिस्टेंस तक, ओके। दोस्तों नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टीरअप्स 2 लेग, ठीक है, जोन ए जोन बी, ठीक है, यानी कि जो हमारी स्टीरअप लगेंगी, हम फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि हमारी स्टीरअप क्या होती हैं। दोस्तों ये हमारी बीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारी रिंग लगी हुई है यही हमारी स्टीरअप है, ठीक है। दोस्तों आइए अब हम ड्राइंग पे आते हैं और इसको पूरा पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। जो हमारी स्टीरअप होगी वो 8 mm डाये की 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर होगी, ठीक है, जोन ए में। आइए हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं, यानी कि ये जो हमारी रिंग लगी है स्टीरअप लगी है ये हमारी 8 mm डाया की होगी, इसका जो साइज होगा 8 mm होगा, और इसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी यानी कि एक स्टीरअप से दूसरे स्टीरअप के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर होगी, ओके। दोस्तों जोन बी की बात करते हैं, जोन बी में हमारा जो स्टीरअप लगेगा यानी कि जोन बी में हमारी जो रिंग लगेगी वो 8 mm डाया की होगी और जिसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 150 होगी, ठीक है। आइए फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, ठीक। दोस्तों ये हमारी रिंग है, रिंग का जो साइज है वो 8 mm होगा और दो रिंग के बीच की यानी कि ये हमारी फर्स्ट रिंग है और ये सेकेंड रिंग है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 150 mm सेंटर टू सेंटर यानी कि 15 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, ओके दोस्तों। सो दोस्तों इसी तरह से हम PB2 PB3 की भी ड्राइंग पढ़ेंगे, यानी कि प्लिंथ बीम हमारी जो 2 है इसकी जो ब्रिथ है यहाँ पे दे रखी है और इसकी डेप्थ यहाँ पे दे रखी है, बॉटम में जितनी बार लगेंगी जितनी साइज की रखेगी वो डिटेल यहाँ पे दे रखी है, प्लिंथ बीम 2 में टॉप बार जो लगेगी उसकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, और हमारी प्लिंथ बीम 2 में एक्स्ट्रा बार जो लगे हमारी प्लिंथ बीम 2 में एक्स्ट्रा बार जो लगेगी उसकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, और हमारी प्लिंथ बीम 2 में जो स्टीरअप्स यानी कि हुक लगेंगे उसकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों जैसे हमने PB1 को रीड किया इसी मेथड का यूज करके हम प्लिंथ बीम 2 और प्लिंथ बीम 3 की डिटेल को रीड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन होगी, जोन ए क्या है जोन बी क्या है, तो दोस्तों इस पे हमने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके जोन ए जोन बी को क्लियर कर सकते हैं और अपनी जोन ए जोन बी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद है आप भी प्लिंथ बीम की ड्राइंग पढ़ना सीख गए होंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीडियो कॉलम स्टडी ड्राइंग पर होगा, अगर आप चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए, ओके दोस्तों बाय। इंजीनियरिंग टिकटॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ड्राइंग डिजाइन एस्टीमेट कॉस्टिंग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं।